मिठाई ला। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे तवा पुलाव। सबसे पहले मैंने एक कप चावल ले लिए, उसको अच्छे तरह से धो के उबालेंगे। फ्रेंड्स अब मसाला रेडी करेंगे। तेल डालेंगे कितने चम्मच? फ्रेंड्स अब 2 चम्मच बड़े तेल डालेंगे। फ्रेंड्स अब सारे खड़े मसाला डाल देंगे। 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 तेज पत्ता, 3 लौंग, दालचीनी टुकड़ा, काली मिर्ची और जीरा, 1/2 चम्मच जीरा। अब डाल देंगे 4-5 कलियां कटी हुई लहसुन, 1 मीडियम साइज का प्याज, अच्छे तरह से मिला देंगे। प्याज को थोड़ा सा लाल पिंक कलर करेंगे। अब डाल देंगे 1 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर, अच्छे तरह से मिला देंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब सारे सब्जियां जान लेते हैं हम। एक ले लिया एक फूल गोभी, हरी मिर्ची, स्प्रिंग ऑनियन, गाजर, आलू, मटर, बीन्स, 1-1 करके डाल देंगे। सबसे पहले मैंने फूल गोभी डाल दिए, मटर, बीन्स, आलू, गाजर, स्प्रिंग ऑनियन, मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, अच्छे तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स अब 2 मिनट तक उसको ढक्कन लगा के पका देंगे। चावल रेडी हो चुकी है, उसका पानी छान लेंगे चावल से। फ्रेंड्स अब डाल देंगे पाव भाजी मसाला, अच्छे तरह से मिला देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब डाल देंगे हम चावल, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट। फ्रेंड्स इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ग्रीन ऑनियन। थोड़ा सा मिंट। अब हमारा मसाला पुलाव रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।